याद रखना ये चार चीजें कभी किसी को मत बताना। पहला आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, दूसरा आपका बड़ा प्लान, तीसरा आपकी लव लाइफ और चौथा आपकी इनकम। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे इस दुनिया में मौत से डर नहीं लगता जितना डर इस दुनिया में माँ के बगैर जीने से लगता है। जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है, इसलिए मैं समझाता हूँ बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, हमेशा खुश रहोगे। इन तीन चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो, यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते, और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम निभाने को प्यार कहते हैं। हो सके तो अकेला रहना सीख लो, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ये तो हम हैं जो अपना प्यार निभा रहे हैं, जिस दिन छोड़कर चले गए औकात पता चल जाएगी तुझे। दूर जा रहे हो तो शौक से जाना। बस इतना याद रखना, पीछे मुड़कर देखने की आदत इधर भी नहीं है। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये तीन बातें जान पाए, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके दिल की बातों को ऐसे समझे जैसे दवाई की दुकान वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है, लोग लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं लेकिन गहराई हमेशा भूल जाते हैं। कोई आपको बार बार माफ कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, इसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते, उनकी नाराजगी में भी आपके लिए फिक्र होती है।